सिर्फ क्लिंडामाइसिन नाम के कंटेंट की दवाइयां यूज करोगे स्किन के लिए तो कैसे काम करेगी, है ना? पेशेंट आते हैं, बताते हैं, डॉक्टर साहब क्लिंडामाइसिन, जब मैं कभी भी ये ट्यूब या फिर जो कुछ भी है नाम की कंटेंट की दवाइयां उन्हें देता हूँ ये यूज करने के लिए, तो ऑलरेडी कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसे तो हम 3 साल से यूज कर रहे हैं बट स्किन के ऊपर कोई रिजल्ट ही नहीं आया। अरे कैसे आएगा, क्लिंडामाइसिन तो एक एंटीबायोटिक है, उन्हें ये भी पता नहीं होता कि किस कौन सी दवाइयाँ किस केसेस में काम करती हैं। अब पेशेंट आते हैं, कहते हैं, हम जब कुछ सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि स्किन के लिए आप क्लिंडामाइसिन प्लस निकोटिनामाइड यूज़ किया करो, बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो वो खुद ही बता देंगे डॉक्टर साहब ये तो हमने 3 सालों से यूज़ करे बट कुछ रिजल्ट नहीं मिला। और हम जब डिटेल में जाके स्टडी करने के बाद पूछते हैं उनसे, वो सिर्फ क्लिंडामाइसिन यूज़ कर रहे होते हैं 3 सालों से, तो कैसे रिजल्ट मिलेगा? क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर में उसे मार गिराते हैं। फॉर एग्जांपल 100% आप क्लिंडामाइसिन यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल स्किन का ही ले लें, अगर आप स्किन के लिए क्लिंडामाइसिन यूज़ कर रहे हो 100% तो वो सिर्फ 10% काम करेगी क्योंकि ये एंटीबायोटिक होती है, ये स्किन के लिए ओनली 10% काम करती है। आपको पता है क्लिंडामाइसिन हम वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन के लिए देते हैं, जन जॉइंट के लिए देते हैं, बोन्स के लिए देते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए देते हैं, प्रॉपर स्किन के लिए क्लिंडामाइसिन नहीं बनी है। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। हम फॉर एग्जांपल वजाइना में वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन देन वाइट डिस्चार्जेस सफ़ेद पानी है, उस सब केसेस के लिए हम क्लिंडामाइसिन का यूज़ आप कर सकते हो। बट आप प्रॉपर अगर सोचो मैं स्किन के लिए यूज़ करूं, पिंपल्स के लिए यूज़ करूं, एक्ने के लिए यूज़ करूं, तो ये ठीक नहीं होगा क्योंकि वो 10% ही काम करेगा स्किन के लिए। बट हाँ, अगर आप क्लिंडामाइसिन के साथ निकोटिनामाइड नामक कंटेंट की दवाइयां यूज़ करते हो तो डेफिनेटली वो 10% का 100% हो जाएगा और रिजल्ट कितना होगा, 2x आपको रिजल्ट मिलेगा। तो क्लिंडामाइसिन आपको, सिर्फ क्लिंडामाइसिन अगर आप स्किन के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसे स्टॉप करो, बंद करो और अलॉन्ग विथ निकोटिनामाइड यूज़ कीजिए। क्योंकि दोस्तों हम वजाइनल जो वाइट डिस्चार्जेस होते हैं, वो सफ़ेद पानी होता है, उसे ट्रीट करने के लिए हम क्लिंडामाइसिन का यूज़ करते हैं। जैसा मैंने बताया बोन्स पेन है, जॉइंट पेन है, उस केसेस हम क्लिंडामाइसिन का यूज़ करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए हम क्लिंडामाइसिन का यूज़ करते हैं, तो ये सब केसेस में क्लिंडामाइसिन का यूज़ होता है। बट अलॉन्ग विथ क्लिंडामाइसिन अगर आप निकोटिनामाइड का कंटेंट यूज़ करते हो तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों निकोटिनामाइड एक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को ट्रीट करता है, जैसे विटामिन बी, जो स्किन में डेड सेल्स होते हैं, जो पोर्स ब्लॉक हो गए होते हैं, जो फेस के जो सेल्स होते हैं अगर वो डेड हो चुके हैं, वो मर चुके हैं, तो उसमें वापस रीजनरेट करता है, रिबिल्ड करता है निकोटिनामाइड नामक कंटेंट की दवाई। जैसे मैंने बताया ये एक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को ट्रीट करता है, जैसे विटामिन बी हमारे चेहरे के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अलॉन्ग विथ क्लिंडामाइसिन प्लस निकोटिनामाइड नाम की कंटेंट की दवाइयाँ आप यूज़ करोगे स्किन के लिए तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये कोई पेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, मैं जब कभी भी अपने पेशेंट को स्किन का ट्रीटमेंट देता हूँ, स्किन के लिए सजेस्ट करता हूँ, तो मैं यही ट्यूब सजेस्ट करता हूँ क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो पेशेंट बार बार पूछते हैं, कैन द यूज़ ऑफ क्लिंडामाइसिन कॉज डायरिया, क्या क्लिंडामाइसिन के रेगुलर यूज़ करने के बाद डायरिया की शिकायत हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है, इसमें एक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को कम करता है, साथ में जो हमारे बॉडी में हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं उसके ऊपर भी अफेक्ट करता है, तो डायरिया की शिकायत होना कॉमन है। देन सेकेंड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग क्लिंडामाइसिन टेक टू वर्क, डिपेंड करता है बट इसको आप रेगुलर 2 to 3 weeks यूज़ करोगे उसके बाद ही इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। वॉट इफ आई डोंट गेट बेटर आफ्टर यूजिंग क्लिंडामाइसिन, अगर क्लिंडामाइसिन हम यूज़ कर रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला तो क्या करना है? तो अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए। देन कैन आई स्टॉप टेकिंग क्लिंडामाइसिन व्हेन आई फील बेटर, नहीं करना है आपको रेगुलर, अगर आपके डॉक्टर ने इससे कहा है कि 3 months का रेगुलर आप कोर्स करो तो रेगुलर कोर्स करने के बाद ही आपको स्टॉप करना है, बीच में आप मेडिसिन स्टॉप नहीं कर सकते।
देन इस क्लिंडामाइसिन सेफ, डेफिनेटली सेफ है, बट देन टू प्रेग्नेंट लेडी है तो ये इन सब केसेस के लिए आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें और उसके बाद ही आप इस ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। देन कुछ क्वेश्चंस निकोटिनामाइड के ऊपर भी आते हैं जो पेशेंट रेगुलर पूछते हैं, जैसे फर्स्ट इस निकोटिनामाइड गुड फॉर एक्ने, डेफिनेटली एक्ने के लिए होता है, एक्ने को ट्रीट करने के लिए होता है। अगर इसके साथ में आप जिंक प्लस फॉलिक एसिड का यूज़ करते हो तो डेफिनेटली स्किन के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बट इसका कुछ कोर्स होता है, 3 मंथ्स का रेगुलर कोर्स करना होता है, 3 मंथ्स आप रेगुलर कोर्स करते हो उसके बाद ही इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। देन सेकंड, इस निकोटिनामाइड अवेलेबल ओवर द काउंटर, यस डेफिनेटली ओवर द काउंटर आप मेडिकल से जाके इसको परचेस कर सकते हो, बट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर से कंसल्ट करने के बगैर आप इसको मत लीजिए, क्योंकि खूब सारे मेडिसिन होते हैं, खूब सारे ट्यूब्स होते हैं, ऑइंटमेंट होते हैं, इसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो ज़रूर होता है। देन थर्ड, डस निकोटिनामाइड कॉज फ्लशिंग, फ्लशिंग मीन्स रैशेज वगैरह आते हैं, डेफिनेटली डिपेंड ऑन स्किन, अगर सूट नहीं किया पेशेंट को तो उसके बॉडी के फेस के ऊपर कभी कभी फेस स्किन जो होती है रेड हो जाती है, लाल हो जाती है, देन कुछ रैशेज आ सकते हैं, तो ये जब कभी भी आप दिखे आपके स्किन पर तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट कराएँ। देन इस निकोटिनामाइड इफेक्टिव, डेफिनेटली इफेक्टिव, आप इसको कंटिन्यू लगाओगे 1 या 2 हफ्ते के बाद डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। देन उसके बाद, व्हाट प्रिकॉशंस डू आई नीड टू टेक व्हाइल यूजिंग निकोटिनामाइड, जब कभी भी आप निकोटिनामाइड नामक कंटेंट की दवाई यूज़ करते हो तो आपको पहले फेस अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद ड्राई करना है, फिर ये दवाई आपको अप्लाई करनी है, देन मॉर्निंग में अगेन ऐसे ही करना है, 2 टाइम आपको यूज़ करना है सुबह शाम, और इसका रिजल्ट आप 10-12 डेज के बाद देखोगे कैसा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। देन व्हाट शुड आई डू इफ आई फॉरगॉट टू यूज निकोटिनामाइड, अगर आप भूल जाते हो तो डेफिनेटली अगर इंस्टेंट आपको याद आता है तो तुरंत आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया।